वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राज, और आपको आज लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जो फेमस हो रही है अपने इलाहाबाद प्रयागराज क्षेत्र में। तो दोस्तों, आज हम कुछ दोस्तों के साथ आए हैं। देख सकते हो, अपने दोस्त हैं दिवाकर और ये हैं अपने दोस्त, इनको आप कई वीडियो में देखे होंगे, ये हैं अमित। दोस्तों, हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे। यदि आप पहले से आप हमारे दर्शक बने होंगे एक सब्सक्राइबर से, तो आपको शायद इस जगह का वीडियो आप शायद देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप नए दर्शक होंगे तो आप शायद इस जगह का वीडियो नहीं देखे होंगे, इस जगह का ब्लॉग नहीं देखे होंगे। तो आज हम आपको यहाँ का ब्लॉग दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जाएंगे ऊपर और दर्शन करेंगे, तब और फिर उसके बाद वापस आएंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, देख सकते हैं कि ये जो घंटे हैं इनको बजा कर जाना है। तो चलते हैं। और यहाँ के दोस्तों, यहाँ के बंदर जो है ना, बंदर यहाँ के बहुत शरारती हैं, और हम लोगों का जो लंच लाए थे यहाँ पर करने के लिए, वो हम लोगों के बाइक से निकाल लिए। और हमारे जो दोस्त थे दो, वो देख सकते हो कि डंडे उनके हाथ में हैं। अगर आपका नज़र पड़ रहा होगा, डंडे हाथ में लिए हैं वो लोग इन बंदरों से बचने के लिए। तो चलिए चलते हैं ऊपर, दर्शन करते हैं। देखिए देखिए, यहाँ के बंदरों को बहुत शरारती हैं। अगर आपके हाथ में कुछ रहेगा खाने पीने वाला, तो ये आपके हाथ से छिना कर झपट कर लेकर चले जाएंगे, ये जान लीजिए। इसलिए आपको बचना होगा। अगर आप यहाँ आए हैं तो खाने पीने वाला सामान का ध्यान रखिए कि आपका सामान जो है आप सुरक्षित ले जा सके घर तक, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत हैं। और ये लोग देखो, दोस्तों को देखो, डंडे हाथ में है इनके, जो दोस्त हैं जो अमित को देखो, डंडे उनके हाथ में है मारने के लिए। कह रहे थे कि मारेंगे अगर हमारे पास आएंगे, तो मैंने कहा मारो ना यार। यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर दोस्तों ये जान लीजिए, बहुत भीड़ रहती है शिवरात्रि के दिन, और जिस दिन भगवान शिव जी का पूजा करते हैं लोग, उस दिन बहुत भीड़ रहती है। और यहाँ पर इस समय, जिस समय हम लोग आए हुए हैं, इस समय भीड़ तो नहीं है, लेकिन तब पर भी हम लोग जानबूझ कर आए हैं ताकि हम लोग आराम से चलें, दर्शन करें और वीडियो ब्लॉग बनाएं और आपको दिखाएं। अभिनंदन लिया। देखो, ये लोग भी शरारत कर रहे हैं बंदरों से। और देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बंदर के छोटे छोटे बच्चे हैं। रहने दो, जाने दो। तो हम लोग अब आए हैं अंदर, और आप देख सकते हैं अंदर का वीडियो ब्लॉग। और अपने यहाँ का यह जगह जो है धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है। प्रयागराज के जो तीर्थ स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनमें इस जगह का भी नाम अब लिया जाने लगा है, लोग इस जगह का भी नाम लेने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरफ, और यहाँ देखिए, और यहाँ पर कुछ जो महाराज जी लोग रहते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ का क्या मान्यता है, क्या इतिहास है यहाँ का, तो पूछते हैं। तो यहाँ का क्या इतिहास है बाबा जी? हाँ बताओ, बाबा जी यहाँ का इतिहास क्या है, क्या मतलब यहाँ का पुराना, क्या किस वजह से इसको बनवाया गया था, और इस जगह को जो बनवाया था किसने बनवाया था, कुछ आपके पास जवाब है बता सकते हो तो आप दर्शकों को बताइए, हमारे दर्शक जो हैं जो देख रहे हैं वीडियो को। नहीं पता आपको? तो इनको नहीं पता, दर्शकों बाबा जी को नहीं पता, बाबा जी यहाँ पर रहते हैं भले, और एक बाबा जी और हैं, इनको शायद नहीं पता, वो बाहर है। बाबा जी आपका नाम क्या है बता सकते हैं? चेतराम। हाँ, चेतराम। बाबा जी का नाम चेतराम है, और चेतराम जी का कहना ये है कि हमको नहीं पता इस जगह का इतिहास, हमको नहीं पता
इस जगह के बारे में। और बाबा जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम स्वरूप ब्रह्मचारी। राम स्वरूप ब्रह्मचारी हैं। जिस तरह से हमने आपको कुंभ मेले का वीडियो दिखाया था, कुंभ मेले का आप लोगों ने वीडियो देखा था, वहाँ के बाबा लोग जिस तरह से बोल रहे थे, बता रहे थे कि इतिहास, कुंभ का इतिहास क्या है, तो आप सोच रहे थे बाबा जी लोग बताएं, लेकिन बाबा जी लोगों को पता नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं आप, तो दर्शकों हम लोग पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ का ब्लॉग, पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। लालापुर, तो मैं भटपुरा लालापुर के मनकामेश्वर मंदिर में आया हूँ। और यहाँ यह जो जगह है दर्शकों, धीरे धीरे इतना भक्तों के जहन में चलने लगा है, इस जगह के बारे में इतना पसंद करने लगे हैं, इसीलिए हम लोगों को यहाँ का वीडियो बनाना पड़ रहा है। और यहाँ के जो संत हैं, जो संत रहते हैं, उनसे यहाँ का इतिहास के बारे में पूछेंगे, क्या है इतिहास, मान्यता क्या है, किसने आखिर इस मंदिर को बनवाया। तो यहाँ पर हैं, सबसे पहले हमें इनसे बात करते हैं। तो बाबा जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? शिव शंकर द्विवेदी। तो बाबा जी का नाम शिव शंकर द्विवेदी है। तो बाबा जी, आप ये बताइए कि यहाँ का इतिहास क्या है, मान्यता क्या है? ये स्वयंभू है, यहीं से निकले हुए हैं। इनके ऊपर शेषनाग की चट्टान लगी हुई है जो कि पर्वत से बाहर है। और क्या चाहते हो मुझे ये आप संक्षिप्त में बताने की कोशिश करिए कि ये लगभग कितना पुराना? ये प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना, कोई बता नहीं सकता। लेकिन ये मंदिर जो बनवाया था, मंदिर बनवाया गया है तो अभी कम से कम 15-20 साल हो गए इसको। हाँ, मैं यही पूछना चाहता था। तो आप ये बताने का, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर यहाँ किस तरह से, क्या मान्यता थी जो इतने दर्शक, इतने भक्त लोग इकट्ठा होने लगे, इतना मेला लगने लगा यहाँ पर? हाँ, स्वयंभू है और बड़ा लोगों का कल्याण करते हैं भोलेनाथ। शिवलिंग उनकी बढ़ती रहती है, मतलब बढ़ती, अब भी बढ़ती है उनकी शिवलिंग बढ़ती है। स्वयंभू है, सब लोगों का कल्याण करते हैं, इसीलिए यहाँ जनता जो है ज़्यादा आश्रित रहती है। बाबा जी, आप यहाँ पर कितने वर्ष रह रहे हैं? हम तो यार, हमारी यही जन्मभूमि है, बाबा जी का यही जन्मभूमि है, तो बाबा जी से अच्छा कोई आपको नहीं बता सकता। और यहाँ पर एक बाबा जी और हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, श्री रामचरित मानस पढ़ रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में बाबा जी? देखो, मेरा ये भटपुरा ग्राम, मेरा संतोष कुमार, पंडित संतोष कुमार मिश्रा मेरा नाम है, हमारा यहीं जन्म हुआ है। हम बचपन से देख रहे हैं कि ये मंदिर जो है, अभी आप जो देख रहे हो मूर्ति, इतनी बड़ी नहीं थी। पहले मूर्ति आधे लेवल में थी, फिर इसको खोदा गया तो ये नीचे बढ़ती हुई दिखाई दी, तो ये और फिर जब गढ़ती हुई दिखाई दी तो लोगों ने इसको रोक दिया, अब ये और बड़ी हो गई, तो इतने में ही रोक दिया कि भाई पता नहीं कितने नीचे पत्थर रहे। आप देख रहे हो ये आधे में थी मंदिर, पहले ये आधी मूर्ति थी, फिर उसको लोगों ने खोदना शुरू किया, खोदा तो और ये दुगना बढ़ गई। तो अभी ये फिर आधी थी, आधी से ये दुगना हो गई, फिर ज़्यादा नीचे लोगों ने खोदा नहीं, फिर उतने में ही जलहरी बना के इसको रोक दिया गया कि पता नहीं ये पत्थर कितना लंबा है। तो इस तरह से जैसे बाबा जी ने बताया हमारे कि ये स्वयंभू मूर्ति है, ये अपने आप प्रकट मूर्ति है, ये आप ही सोचो कि इतने बड़ी पत्थर की चट्टान, इसके ऊपर कोई मनुष्य उठा के रख नहीं सकता, ये नेचुरल छाया बनी हुई है। इसीलिए ये जो अंदर का जो पत्थर इसके ऊपर छाया रूप में है, जैसे बाबा जी ने बताया शेषनाग की छाया जैसा है ये प्राकृतिक, तो ये यही लोगों के मतलब आकर्षण का केंद्र है, ऐसा कभी कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, भक्तों को क्या कहना चाहते हैं जो वीडियो देख रहे हैं? भक्तों को हम ये बताना चाहें कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पूरे, लगभग पूरे इलाहाबाद जिले से और दूर दूर से, अभी बंगाल से 2-4 लोग हमको एक दिन मिले थे, वो लोग आए थे, तो हमने बोले हम लोग भी नाम सुन के आए हैं। तो इस तरह एक दूसरे से, भगवान क्या है, सर्वव्यापक है, वो एक दूसरे के मनुष्य के मुख से ही एक दूसरे से प्रचार अपना करवा लेते हैं। तो इसी तरह देखो, डोर टू डोर अपने आप लोग चले आ रहे हैं, तो यहाँ आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता है, इसीलिए ये पूरे जो है हमारे क्षेत्र में, ये पूरे जो इलाहाबाद जिले के और भी भारत, पूरे भारत में कह लोगे भी तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, तो ये मतलब श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। और दर्शकों, अब की बार यहाँ नहीं, एक बार और बता दें, अब की बार इतनी भीड़ थी यहाँ कि इस शिवरात्रि में कभी नहीं रही, लालापुर चौराहे से यहाँ लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की, दोपहिया की और चरपहिया की, इतनी बड़ी कभी भीड़। पॉपुलैरिटी धीरे धीरे यहाँ की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, नेचुरली बढ़ती जा रही है, नेचुरली।
या ये शिव जी की महिमा अपनी अपो अपने आप प्रकट करते हैं। और दर्शकों अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि हम चित्रकूट में हैं, और यहाँ के जो बंदर हैं इतने शरारती हैं कि आपके हाथ से आपका प्रसाद छीन के चले जाएंगे अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी हटा तो। हम लोगों के साथ भी यही हुआ है, और हम लोग यहाँ पर प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद जैसे ही बाहर निकले मंदिर से और बंदर हम लोगों का प्रसाद झपट कर बाहर ले गए। तो बाबा जी एक और हैं, बाबा जी का भी नाम जान लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। बाबा जी आपका नाम? जीत राम बाबा जी हैं और ये भी यहाँ पर रहते हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि बाबा जी ने क्या बताया, यदि आप यहाँ पर रहते हो आसपास में रहते हो यदि आप वीडियो देख रहे हो तो आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और दर्शन करें। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल और दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।